हाल ही में पार्लियामेंट में फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का बजट पेश किया गया, जिसमें कनेक्टिविटी और गांवों से जुड़ी योजनाओं के जरिए यूपी को काफी कुछ देने की कोशिश की गई है, जिसके तहत यूपी को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। जी हां, एक्सप्रेसवे प्रदेश और एक्सप्रेसवे हब कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के तहत मैप में दिख रही देश की दो बौद्धिक राजधानी काशी और कभी आर्थिक राजधानी रह चुके कोलकाता को सीधे तौर पर जोड़ने के लिए करीब 600 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड से होते हुए बंगाल तक जाएगा, जिससे यूपी सहित 3 और राज्यों को फायदा मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा, यानी कि ये रास्ता किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जाना है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण करके इसका निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बनारस से कोलकाता की दूरी को मात्र 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकेगा, जो कि अभी वाया ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड से 644 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 12 से 13 घंटे लगते हैं। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के तीसरे पैकेज के तहत बनाया जाना है। इस नए एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि ये 8 लेन का यानी कि 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा होगा, जिसका मतलब ये है कि ये वर्तमान के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा चौड़ा होगा। यूपी के चंदौली में एक्सप्रेसवे लगभग 22 किलोमीटर लंबा होगा। चंदौली में ये पीडीडीयू नगर तहसील के रेवसा से धरौली बिहार बॉर्डर के बीच से गुजरेगा। ये जिले के 31 गांवों से होकर गुजरेगा। वहीं बिहार में करीब 159 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहले कैमूर जिले के चांद प्रखंड में एंटर करेगा। यहां से जिले के 5 भागों से होता हुआ रोहतास जिले के चिनारी, शिवसागर, सासाराम, तिलौथू के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड की राजधानी रांची होते हुए बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंचेगा, जिसे चंदौली, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो, रांची और परुलिया को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। दो महानगरों के बीच वाया रांची से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, साथ ही इसके जमीन चिन्हित करने की DPR तैयार की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले गांव के सत्यापन के बाद उनका पूरा विवरण मिनिस्ट्री के लैंड एक्विजिशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद गजट प्रकाशित करके लोगों से दावा और आपत्ति मांगा जाएगा। इसके बाद बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि अभी ये कार्य शुरुआती स्टेज पर है, पर उम्मीद है जल्द ही काशी को अपना नया एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।